हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब अगला प्रश्न है ये फाइव नंबर का। अब यहाँ पे ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर साथ क्या 100 है, गुना करेंगे लास्ट में क्या 1 है, तो 1 के साथ कितना आएगा एक्स। पूर्ण संख्या गुना करने पर 100 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 20 होना चाहिए। ये तो बहुत आसान सा है, 10 गुना 10 100 होता है और 10 और 10 20 होता है। ये तो मिल गया, यहाँ लिखते हैं 100 एक्स स्क्वायर, ठीक है, करते हैं माइनस 10 एक्स और माइनस डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं माइनस 10 एक्स और माइनस 10 एक्स, तो इस तरह बना सकते हैं आसानी से आप। यहाँ को माइनस 10 एक्स और माइनस 10 एक्स मिलने कितना होगा 20 एक्स होगा माइनस में, तो ये दोनों लिख दिए इसके लिए प्लस 1 है बराबर 0। दोनों में कॉमन निकालते हैं 10 दही 100 या 10 कॉमन निकल जाएगा, दोनों में एक्स है एक्स कॉमन निकल जाएगा 10 दही 100 मिल गया। एक्स स्क्वायर तो यहाँ एक्स यहाँ भी एक्स 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 स्क्वायर 10 दही 100। अब यहाँ पे माइनस 10 एक्स है माइनस का पूरा मिल गया आपने, या माइनस एक्स माइनस सुन देंगे 10 एक्स कॉमन निकाल यानी 1 बचेगा। चेक करना है तो कर सकते हैं, इसको सुगुना ये आएगा इसको इस सुगुना ये भी आएगा। यहाँ पे जो है सेम यहाँ पे कर सकते हैं जी, हाँ ये सेम आ गया। अब इससे इसको मिलाते हैं, ये क्या 10 एक्स 10 एक्स जोड़ प्लस है यहाँ पे या माइनस है, यानी थोड़ा सा यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस को इससे गुना करेंगे, ठीक है, माइनस 10 एक्स आ गया माइनस माइनस प्लस 1 आ गया, यानी बिल्कुल सही है जी। 10x माइनस 1 इसको ब्रैकेट में लिख दिए, 10x माइनस 1 इसमें भी वही है बराबर 0, 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0 एक ही बात है, ठीक है। x बराबर क्या होगा माइनस 1 दे जाएगा तो प्लस 1 और 10 क्या बटा मार जाएगा 1 बाय 10 या x बराबर माइनस हो गया तो प्लस 1 बाय 10, दोनों सेम चीज है क्या ये, तो मूल क्या निकलेंगे 1 बाय 10 और फिर क्या 1 बाय 10, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसका आगे जो पढ़ाया है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।